अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, बोलिए। सर अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम भाई। जी 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 सर, मेरे को एक मसला पूछना था छोटा सा आपसे। जरा एक मसरूफ हो, अगर दरगाह पूजा के बारे में तो इतना है कि दरगाह पूजा जायज नहीं है, खादरियाँ छोड़ देना चाहिए। नहीं नहीं, 30 सेकंड। दरगाह पुजारी मत बनिए, दरगाहों पे नाचना कूदना गलत है। दूसरा मसला है हैदराबाद के ताल्लुक से, तो मैं बोल रहा हूँ, पहले लोग नागपुर पे ध्यान दीजिए। नागपुर के अंदर दुनिया के गरीबा भिकारिया मुसलमान परेशान है, नागपुर पे ध्यान दीजिए। औरंगाबाद पे ध्यान दीजिए, वहाँ पे दुनिया के मुसलमान परेशान है, झोपड़ पट्टियों में है। नांदेड़ पे ध्यान दीजिए, वहाँ पर दुनिया के मुसलमान है, झोपड़ पट्टियों में है। तो लोग खाली मुसलमानों को आरएसएस के दल्ले बन के आपस में लड़ाइए मत, आरएसएस के दलाल बन के मुसलमानों को आपस में मत लड़ाइए। पूरे इंडिया में देखो दलालों, आरएसएस के मोदी और अमित शाह की औलाद हो, पूरे इंडिया पे नजर डालो, आरएसएस के दलालों सिर्फ मुसलमानों को मत लड़ाओ। कांग्रेस के लीडरों को सवाल नहीं करता तू, एनसीपी के लीडरों को सवाल नहीं करता तू, बीजेपी के लीडरों को सवाल नहीं करता तू, कभी आरएसएस का हेडक्वार्टर तो गया नहीं मनोज। लेकिन हैदराबाद में बड़ी दिक्कत रहती है, कहीं हैदराबाद में बहन दिया गया तो बेटी दिया, बहन दिया गया हैदराबादियों को, हैदराबाद के लिए कहीं कुछ करते। आरएसएस के हेडक्वार्टर जाना चाहे पड़ोस में, आरएसएस के हेडक्वार्टर कभी दलाल गया नहीं, आरएसएस का आफारिस कादरी कभी आरएसएस के दलाल बन के आरएसएस के लोगों से पूछा नहीं क्यों मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं, कभी दूसरे लीडरों को कॉल नहीं करता आफारिस कादरी दलाल। लेकिन हैदराबाद का मुंडे लगता है, हैदराबाद कहते रहे भाईजान है क्या, हमारा हैदराबाद वाले तुम्हारे हिंदुस्तान के तुम्हारे क्या भाई का है क्या, तुम्हारे हैदराबाद का मुंडे बहन दिया क्या, पूरे घर का तुम कहीं भी हैदराबाद का मुंडे लगता है। तुम नांदेड़ नहीं जाता, औरंगाबाद नहीं जाता, तुम लखनऊ नहीं जाता, दूसरे लीडरों को भाई भाई बोल के बात करता, बहन दिया क्या, देंगे दलाली कब तक करेंगे, आरएसएस के दलाली मनोज कब तक, आरएसएस के दलाल बन के मुसलमानों को तुम बोले, मैंने वीडियो बनाया, मुसलमानों को मुसलमानों के खिलाफ कब तक ठहरेंगे, आरएसएस का दलाल कब तक मुसलमानों को आपस में लड़ाएंगे। नागपुर के गरीब मुसलमान झोड़ो पट्टिया नहीं दिख रहे देखो, औरंगाबाद के झोड़ो पट्टिया नहीं दिख रहे देखो, हैदराबाद के ओल्ड सिटी बेस्ट अमीर था ना, कब तक बीजेपी का दलाल मोदी और अमित शाह की औलाद बनेगा, कब तक उनके हराम का खाके मुसलमानों को लड़ाते रहेंगे, क्यों ऐसा कर रहा तू, तुम गरीब क्यों ऐसा दलाल बन रहा, और तेरे साथ में सुअर के पिल्ले दूसरे भी दलाल बन के पूरा घर करोड़ के प्रॉपर्टी पूरा दलाल बन के ना तो मुसलमानों को आपस में लड़ा रहे। अरे भाई तू आरएसएस के हेडक्वार्टर को जा, बीजेपी से 40 करोड़ तो बेरोजगार क्यों कर दिए, मोदी अमित शाह को फोन कर मुसलमानों को फसाद पे क्यों मरवा रहे हैं, लिंचिंग में क्यों मरवा रहे हैं, कंपनियां क्यों बंद कर रहे हैं, महंगाई क्यों बढ़ा रहे हैं। लेकिन तू मोदी का बेटा है, मोदी को सवाल नहीं करता तू, अमित शाह का बेटा है, अमित शाह को सवाल नहीं करता तू, महंगाई पे बात करो, सिक्योरिटी पे, महंगाई पे, एजुकेशन पे बात नहीं करता, मुसलमानों को लड़ाने पे बात करता, मनोज सोवर और ये सब पे मनोज सोवर अभी मुसलमानों को लड़ाने पे बात करता सदा, क्यों लड़ाता मुसलमानों को, कारण तो मैं कहूँगा क्यों बनता, खादरी नहीं है तू, पादरी है तेरा नाम, सही लगा मैं तू, पादरियों के औलाद है, खादरी नहीं है तू, पादरियों के औलाद है जो मुसलमानों को लड़ा रहा। अरे मोदी अमित शाह को फोन कर, अगर वहां के तेरे में दम है तो मोदी अमित शाह को फोन कर, वहां के दम है बीजेपी आरएसएस के हेडक्वार्टर को जा, वहां के तेरे में दम है तो औरंगाबाद में झोपड़ पट्टियों में जाके वहां के लीडरों से सवाल कर, नांदेड़ की झोपड़ पट्टियों में जा, नागपुर की झोपड़ पट्टियों में जा, लेकिन तू वो करता नहीं, वहां पर लाखों मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं, तू वहां जाता नहीं, बिहार में नीतीश कुमार को कॉल नहीं करता तू, आरजेडी वालों को कॉल करता लेकिन नीतीश कुमार को कॉल नहीं करता, इससे पता चला तो आरएसएस का प्योर दलाल है जो मुसलमानों को लड़ाने के लिए तैयार हुआ। अमित शाह को फोन करा, आरएसएस का दलाल अमित शाह की औलाद या मोदी की औलाद है, दोनों में से किसी एक की औलाद है। मुसलमान नौजवानों को मुसलमानों से लड़ाता है, मुसलमान नौजवानों को मुसलमानों से लड़ाता है आरएसएस का दलाल फारिस खादरी। तुम लोग और नागपुर के गरीब मुसलमान नहीं दिखते, औरंगाबाद के नहीं दिखते, लखनऊ के नहीं दिखते, नांदेड़ के नहीं दिखते, परवनी के नहीं दिखते, इस तरह के लीडरों को कॉल नहीं करता फारिस खादरी दलाल, कांग्रेस के लीडरों को फारिस खादरी दलाल कॉल नहीं करता, बीजेपी के लीडरों को फारिस खादरी दलाल कॉल नहीं करता, एमआईएम को कॉल करता खाली दलाल, एमआईएम को दलाल नहीं कॉल करता खाली घर की। अरे तू आखिर क्या सच्चा मुसलमान है, तू सबको कॉल करता, मुसलमानों को जो चूस के देते हैं ना, हैदराबाद में गरीबी रहता था, ये रहता था हैदराबाद, मुसलमान है पादरी की औलाद नहीं है, तो सबसे सवाल क्या था, हैदराबाद की पादरी की औलाद तेरे मुसलमानों को क्या आपस में लड़ाता, हैदराबाद को क्यों पादरी की औलाद बन रहा तू, क्यों आरएसएस की औलाद बन रहा तू,
हिसाब लो, दारुसलाम बैंक से जो सूद था उसका हिसाब लो, वो 15 मिनट के लिए जो पुलिस हटा दिया गया था उसका हिसाब लो, 15 मिनट के अरे अर्णब गोस्वामी है तुम, अरे तुम अर्णब गोस्वामी है तुम, अर्णब गोस्वामी है तुम, अर्णब है तुम, अर्णब है तुम, अर्णब है तुम, अरे आरएसएस के दलाले जी तुम रखो, अरे दलाले दलाल 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 अरे दलाले पुकारा कर ले रहे धीरे धीरे बोलना बड़बड़ बड़बड़ कर दलाली क्यों कर रहा तू, ये सीधा तो जवाब देना नहीं आता तो पीछे बड़बड़ बड़बड़ क्यों मोदी की औलाद बनवा, तुम्हारे तुम्हारे बापों के अंदर नहीं आ गए आरएसएस के हक़ों में नहीं जा रहे कभी, और बड़बड़ करने द्रोही है तुम, अरे तुम्हारे से पड़ोसी ने तो तुम्हारे से सवाल तुम्हारे की आइडियोलॉजी की फॉलो कर रहे, अरे तुम दलाल है, तुम दलाल है, दलाल है, तुम दलाल है, दलाल है, दलाल है, तुम दलाल है, अरे हैदराबाद पे नजर रखता है इंडिया के तुम नजर रखते हैं, हैदराबाद में तुम्हें तो दिल्ली में भी रख रहे हैं, हैदराबाद की तरक्की तेरे को देखी नहीं जाती, देखी नहीं जा रही, तुम लोगों वाले मुसलमानों को चूस के देखते हैं, बर्बाद कर देते हैं हिंदू मुसलमान तहजीब तोड़ रहे तुम लोग, नेशनल मीडिया में बैठ के तुम्हारी देखो जरा बाबरी मस्जिद पे जैसा पूजा दलाल वैसे हैदराबाद की मस्जिद पे पूजा के बताओ केसीआर घर से निकाल के मारता तुम्हारी ताकत है तुम्हारी, तुम्हारे बाप को बोलने की ताकत नहीं जाता, सेना के हेडक्वार्टर नहीं जाता तभी उनको कॉल नहीं करता, बराबर कर तुम्हारे पुष्कर तुम्हारे जो दादा है तुम्हारे दादा को फोन किया था मैंने, अमित शाह को भी फोन करा तुम्हारे दलाल है, तुम दलाल है, तुम दलाल है, तुम दलाल है, चार सुअर पाला गया, वो चार सुअर भी मुसलमानों को लड़ा दे रहे थे, क्यों लड़ा था भाई सुअर की औलाद, क्यों मुसलमान को लड़ा रहा, सुअर की औलाद क्या वजह है, सुअर की औलाद क्यों लड़ा रहा, इतनी देर से इज्जत सुअर के पिल्ले क्यों लड़ा रहा, मुसलमानों को भोसड़ी के गाड़ी रख के मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहा, कभी गया आरएसएस के हेडक्वार्टर, तू जाई ले, कभी आरएसएस के लीडर से बात करा, भोसड़ी के तू जाई ले, नहीं करा, क्यों नहीं करा, आरएसएस के हेडक्वार्टर में जाके आरएसएस का खाता तू हराम का, मुसलमानों को लड़ा था, बोल आरएसएस का खाता है, मुसलमानों को लड़ा है, नंबर वन का दल है, अरे मुसलमानों के अंदर लड़ाई लगा के मुसलमानों को गिराना चाहता है, नंबर वन का दलाल है, आरएसएस मोदी अमित शाह से कॉल नहीं करता, नंबर वन का दलाल है तुम जैसे दलालों को, नंबर वन का दलाल है तो कभी गवर्नमेंट की बेरोजगारी पर, गवर्नमेंट की कंपनियां बंद कराने पर मोदी गवर्नमेंट पे सवाल उठाएगा, क्योंकि आरएसएस का दलाल घुसेगा, मस्जिद को गए सुअर के पिल्ले, चार बजे सुबह के पिल्ले बाहर बैठे हुए, चार सुबह के पिल्ले तो बाहर बैठे हुए, तुम दलाल है, तुम दलाल है, और मुसलमानों को लड़ा पूजा करो जाके, तुम भी सुअर के पिल्ले, अरे तुम दलाल है, सुअर का सूद खाओ तुम, पैसे ला दे रहे तुम्हारी को, तुम मारे को पैकेज मिल जा रहा, तुम दारुसलाम का सूद खाओ, तुम्हारे को पैकेज मिल जा रहा, पूरे इंडिया के मुसलमान चंदा के दूसरे शहरों में मुसलमान आजाद हुए तो आवाज नहीं उठाएगा गुजरात पुलिस पे, अरे दलाल है, तुम गुजरात में आवाज नहीं उठेगा क्योंकि तू आरएसएस का दलाल है, अरे मेरी उम्र भी दलाल है, 19 साल मोदी दलाल बोला ना तुम्हारे बाप ने भी नहीं बोला, जमान जेल में रहे उसके बारे में नहीं बोलेंगे, असद भाई क्या कर रहे हैं, अकबर भाई कहते हैं अम्मा को बहन को दिया, भाई को तुम्हारे बाप को भी फोन करा रहा है, तुम्हारे बाप अमित शाह को फोन करा रहा है, अमित शाह को फोन नहीं देते, अमित शाह का फोन नहीं देते, अमित शाह का फोन नहीं देते, दलाल मेरे भोसड़ी के तुम हमारे तेरी बहन को दे रहा, हमारे को नहीं ना, ये सुन ले, ये सब रहते तुम लोगों के दलाल, अरे दलाल तुम गटर में मर जाते, तुम कभी तू नागपुर का हालत देख, नाली में पैदा होते गटर में मर जाते, तुम नागपुर तो हैदराबाद का देखो ना बे, तुम हैदराबाद का देखो, गरीब मुसलमानों को चूस के फेंक दिया तुम दलाल, अबे चल अबे दलाल के बात करने की तमीज नहीं, दलाल प्यारू दलाल सुन, अबे तुम हैदराबाद तुम पैदा हो गया था, तुम लोग दलाल, तुम दलाली कर रहे, नेशनल मीडिया कभी गोली नहीं दिया किसी को, प्लेटफॉर्म नहीं दिया, ये राजनीतिक ऑफिसर को तुम्हारे जैसे दलालों को तो तू दलाल अभी दलाल है, तू दलाल है,
नहीं आते तेरे को दलाल पांच करने नहीं आते तेरे को नाटू बनना मुसलमान पाकिस्तानों की तुम लोग बस आवाज ही नहीं निकल रही। अब दलाल बोल हैदराबाद पे खाने बढ़ रहा हूँ इस्लाम की दावत दे रहा बदनाम कर रहा हूँ दलाल चार नपुंसक का जो तुम दलाल मुसलमान बच्चे 20 साल के बाद छूटे कुछ बोला रे दलाल तू कहाँ पर दलाल तू बोला खाली दलाल है दलाल तू बोल 24 को गया था सूट के ऊपर बोला है दलाल बाप बोला अबे तुम का भाई है छोटा भाई है तू सलाउद्दीन अवैसी का चौथा लड़का है तुम पूरी अवैसी खानदान हिंदुस्तान को बर्बाद करते तू अवैसी योगी मोदी अमित शाह सब एक तुम लोग